जय श्री राम। भाई यार चोट लगने के बाद इतनी बढ़िया डाइट हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। क्या कह रही है? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, एकदम ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे सही तरीके से। जैसे घर आया हूँ तब से एनर्जी लेवल वापस से हाई हो चुका है। मेरे को अपनी अलमीरा ठीक करनी थी क्योंकि सारे कपड़े अजीब अजीब से हो रखे थे। तो क्या बोलते हैं, मैं तो कर नहीं सकता हूँ अभी, तो मैं अपने भाई से करा रहा हूँ। तो सारे कपड़े बाहर निकाल दे पहले। आराम आराम से निकाल यार, कपड़ों को दर्द होता है यार, एडजस्टमेंट दे दूँ समझा कर। मेरा इतना अच्छा लोअर, ये मैं कब पहनूंगा वापस? मेरे एक लोअर तो हॉस्पिटल में फाड़ दिया गया था। जो मेरा ब्लैक कलर का लोअर था वो उन्होंने फाड़ दिया था, क्योंकि वही मैंने पहन रखा था। तो उन्होंने कटर से पूरा काट दिया था लोअर, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था उसका। पैर का इतना दुख नहीं हो रहा था मेरे को भाई, कपड़ों का बहुत दुख हो रहा था। कपड़ों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपनी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और मेरे जूते कहाँ हैं यार? है मम्मी, मेरे जूते कहाँ हैं? बैलेंसिया वाले? हाँ, वो जूते। अच्छा, वो बंटी भाई की गाड़ी में होंगे, या तो वो घर पर ही होंगे कहीं, तो मुझे पता नहीं। मेरे और मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? मेरा ब्रेसलेट, हाँ तो दिखा तो दो यार। ये रहा, हाँ ये रहा हैंगर, ये जो टी शर्ट वाला हैंगर, हाँ ये इसको बाहर निकाल। अबे टी शर्ट वाला, हाँ यही, हाँ यही है। अरे ये शर्ट है मेरे भाई पापा की, ये हाँ ये वाला, हाँ इसको यहाँ पे रख दे, इसको यहाँ पे टांग दे, यहाँ पे। देखो भाई, अपनी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी एचएम की है? हाँ एचएम, एचएनएम होता है एचएम। अब इसको फोल्ड कर दे अच्छी तरीके से, हाँ, और हैंगर में लगा दे ये। अपनी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना आपको चाहिए, क्योंकि जितना आप ख्याल रखोगे यही सब आपको अच्छी बनाती है। जो भी आप पहनते हो, जिससे आप अच्छे लगते हो, उसको आप संभाल के रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप जल्दी से अलमीरा को ठीक करके उसके बाद मिलेंगे। और आज मेरे को आज ये पट्टी हटा के अब कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट कर देना है, पूरे पैर पे कोकोनट ऑयल लगाना, क्योंकि ये पैर बहुत काला हो चुका है स्वेलिंग की वजह से, और यहाँ पे दर्द भी है थोड़ा बहुत, और जो निशान रहेगा यहाँ पे वो कोकोनट ऑयल से ही हट सकता है। क्या लगता है आपको मेरी बातों से? तो मेरी बात तो ये लगता है तू कुछ है चक्कर तेरा। क्या मेरे में ऐप है? मेरे में ऐप है, ये बाथरूम का दरवाजा बन गया, मेरे में ऐप है, आपको ये लगता है? क्या मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ? तो आपका शक एकदम सही है, 50 करोड़। नीचे से डब्बी लेते हुए आना फिर एक इसी बात में, अब आपको पता चल ही गया है। इधर देखिए वाली शर्ट, मैंने तेरा ना आज के बाद मैंने सुन भी नहीं लेते ये बात नालायक। क्या सुन ली? वो जो गोल्ड फ्लैग रखी है मंदिर में, मैंने तो खत्म करी है। अरे मजाक कर भाई, मैं जिम जाता हूँ यार, मैं प्रोटीन शेक की बातें कर रहा हूँ, इनको अलग ही लग रहा है कि मैं। गाइस बता रहा, मेरी लिप्स देख के, क्या मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या मैं ड्रिंक करता हूँ, ये देखना कितनी पिंक लिप्स। अभी के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि इतना कुछ काम है नहीं। बंद कर दे, क्लोज द डोर। आज ट्यूसडे है और आज मैं मंदिर जाता था, पर कोई नहीं, मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान चालीसा लगाऊंगा स्पीकर पे और आराम से बैठ के मेडिटेशन करूंगा और हनुमान चालीसा गाऊंगा भी, क्योंकि जय श्री राम। ज्यादा भी नहीं भाई, मजे नहीं, सब चीजों से मजाक नहीं करनी, है ना? बात तो सही है। जय श्री राम, हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं आपके द्वार आ सकूं, भागता भागता और आखिर आपको माला चढ़ाऊं। भागने का सीन नहीं, पैदल आ जाऊंगा स्लो, पर अभी इतना जल्दी में नहीं हुआ। टाइम लैप भगवान, अगर मैं नहीं आ रहा तो आप आ जाओ मेरे पास। बात तो सही है, चलो हनुमान चालीसा लगा देते हैं, वो वाला फोन लेके आ और थोड़ा ध्यान लगाएंगे। आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ इतने दिनों बाद, मैं सोचा व्लॉग बना लेते भाई। निक्कू अनबॉक्सिंग करेगा इसका? पट्टी खोलनी है सही में? हाँ सही में, आज लास्ट डे ऑफ माय पट्टी,
और उसके बाद मैं करूंगा टट्टी। ओ अभी मैंने कुछ खा नहीं रखा है, हनुमान चालीसा सुन सकता हूँ मैं, तो हनुमान चालीसा लगाते हैं आज ट्यूसडे। थोड़ा ना पूजा पाठ में भी ध्यान रखा करो तुम लोग, पूजा पाठ करना जरूरी है, देख लो तभी मैं, थोड़ी बहुत चोट लगी है मेरे, पूजा करा करो भाई। पहले ऊपर वाली कौन सी है, ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है। आज अनबॉक्सिंग करते हैं। हनुमान चालीसा चल रही है, शुभ काम कर दो, दर्द नहीं होगा। जय श्री राम। तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आए। खींच दे, यूं खींच दे, खींच दे, पूरी खींच दे। जय श्री राम। दर्द बता देना। आराम आराम से करियो, नहीं हो रहा दर्द। भाई तब तो दर्द हो जाएगा, दबाएगा पैर तो। हाँ बेटा डी नहीं हो रहा है यार, क्या हो गया? अपने पैर को देख के इतना मेरे को क्या बताऊं निको तेरे को, बस मैं ना कोई ना क्रीम व्रीम लगाए, इसमें हो जाएगा, निशान से निकल जाएंगे। ये तो गंदगी तो होगी है, ये फिर स्टिचेस हैं, ये भाई ये स्टिचेस के निशान है यार। बीटाडीन है ये। हां वही तो, बीटाडीन भी और स्टिचेस के भी निशान है। कभी कभार ना ऐसे लगता है यार, मतलब मैं अपना बहुत ख्याल रखता हूँ हर चीज में, अब एकदम से ऐसा हो जाता है ना तो बड़ा अजीब लगता है देखने में। ऊपर करो थोड़ा। ओह माय गॉड, सैड सॉन्ग। वहां पूरे पैर पे लगाइयो। अब ये कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला, और इससे ही पैर ठीक होगा मेरा, स्वेलिंग हट जाएगी, एक्सरसाइज करूंगा तो इससे ये पैर ठीक होगा, और ये जितने भी निशान है ना ये इससे ही ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, आराम आराम से आराम। बस नारियल पानी आ चुका है निक्कू, एक मेरा और बाकी गगन और तेरा, दो नारियल पानी है। ये निशान मम्मी थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे, टैटू करा लो, मैं तो कह रहा हूँ टैटू करा लो, कह रहे पैर पे। अब नहीं, इसके लिए वो मंगाऊंगी मैं जैतून का तेल, लेट हूँ वाले एक्सरे बनवा लूँ, जो मेरा एग्जैक्ट एक्सरे है वो टैटू बनवा लेता हूँ। कोकोनट ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ ब्रो, कोकोनट ऑयल, सॉरी कोकोनट से, ये नारियल पानी पीने से, कोकोनट वाटर सॉरी, अब ऐसे ऐसे करो, नारियल पानी पीने से आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। पहले सीधा करो और सीधा एक्सरसाइज करो, एक लगा पड़ा अपनी बंदी। क्या कह रही है? भाई यार चोट लगने के बाद इतनी बढ़िया डाइट हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। नारियल पानी ही नारियल पानी, ओ माय गॉड, ये भी पीना है क्या? ये भी पीना है क्या? क्या बोलते हार्पिक भी पीना है क्या? हाय मेरी बच्ची, हाय कैसी है बहन? गग्गू जीजा जी, नमस्ते जीजा जी। ब्रदर, हेलो ब्रदर। मम्मी दे दो राजमा चावल, मैं आज अपना डाइट चार्ट बनाऊंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ ना मैं बहुत ज्यादा लेजी हो चुका हूँ, मेरा स्केड्यूल एकदम खराब हो चुका है, रात रात तक जागना, सुबह लेट उठना, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है। हाँ तो
आज मैं रात में अपना डाइट बनाऊंगा कि मेरे को क्या क्या खाने की रिक्वायरमेंट है। क्या होगा अब इससे? हर चीज में विश्वास है। गाइस मैं राजमा चावल खा रहा था। आई लव यू माई बेस्ट फ्रेंड। आज मैं राम मंदिर जाता। इंस्पिरेशन। भाई देखो मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं इसको ले गया था। मैंने बोला भाई मंदिर जाते हैं काम बनेंगे सारे जो तू चाहता है। कुछ कुछ काम बिगड़ जाते हैं जैसे मेरा बिगड़ गया। पर कोई नहीं। क्या चेक कर रहा है भाई? क्या चेक कर रहा है? दवाई खा ली है लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया था। दूध के साथ, दूध में देसी घी पी रहा हूँ डाल के। मम्मी ने ऐसे दिया था दूध और गगन भी पी रहे। दवाई खा ली है, दूध पी के अब सो जाएंगे, ठीक है ना? और मिलेंगे बाद में अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिएगा ब्लॉग में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। एंड ख्याल रखो अपना। मैं भी अपना ख्याल रख रहा हूँ। मैं भी अपना ख्याल रख रहा हूँ। आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। तेरी आया भूसे की आवाज़ सुना दे एक बार। मजेदार। ऐ ऐ पेक से बात।